first of all good morning students and i am your evs teacher miss sangam before starting your lesson we will discuss about your subject evs now my first question is what is evs my first question is what's and i think you know about what is evs and what is फुल फॉर्म ऑफ ई वी एस फॉर्म ऑफ ई वी एस इज़ इन्वायरमेंटल स्टडी हमारे पर्यावरण के बारे में जितनी भी जितनी जानकारी हमको मिलती है वो हमारी फुल फॉर्म ऑफ स्टडी इन्वायरमेंटल स्टडी में आ जाएगा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई वॉट इज़ ई वी एस इन ई वी एस एंड वॉट वी लर्न इन ई वी एस दैन माई आंसर इज in evs we learn about plants animals and everything that is there are in surrounding we also know that ki evs ईवीएस हमको हमारे प्लांट्स के बारे में ट्रीज के बारे में एनिमल्स के बारे में और सारी चीजें जितनी भी जितनी हमारी नेचर में एनवायरमेंट में प्रजेंट होती हैं पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे बादल जितने भी जितने हमारे इन्वामेंट में प्रोसेस हो रही है वो अंडर ए वी एस सब्जेक्ट आती है बिकॉज ए वी एस स्मॉल पॉइंट ऑफ साइंस अगर आप फिफ्थ क्लास से आगे बढ़ते हो ए वी एस विल बी चेंज इन यूर सब्जेक्ट साइंस एंड नाउ इन अदर वर्ड्स We can say that it is a combination of SST and science. It's a combination of SST and science. Now I will discuss about now we will discuss about first lesson of EVS, that is your family. That is your family. Now my first point is what is a family? First point skiya family? What is a family? Family क्या होती है ग्रुप होती है ग्रुप का मीन्स क्या होता है ग्रुप का मीन्स होता है एक समूह एक समूह होती है किस चीज का समूह होती है लोगों का कोई भी एक अगर चीज़ होती है कोई भी चीज़ को बनाने के लिए हमको छोटे छोटे से पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को अगर आप उठा के देख सकते हो यू कैन से दैट अगर हम किसी का भी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं किसी जैसे कि एक पेड़ होता है पेड़ की ब्रांच होती हैं अलग अलग होती हैं लेकिन उसकी रूट्स होती है जो वो एक होती है तो उस रूट से ही बहुत सारी टहनियाँ निकलती हैं जिनको आप ब्रांचेस बोलते हो ब्रांचेस अलग अलग डायरेक्शंस में होती हैं उनकी डायरेक्शंस बहुत अलग अलग होती हैं उसी तरह से फैमिली में हमारे मेंबर्स होते हैं हमारे ग्रांड पेरेंट्स होते हैं ग्रांड पेरेंट्स के हमारे पेरेंट्स होते हैं जिसको हम फादर मदर बोलते हैं अंकल आंट्स बोलते हैं चिल्ड्रंस बोलते फिर उनके बाद में एक आती है हमारी चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस जो कि हम होते हैं उसी तरह से वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन यह हमारी प्रोसेस चलती रहती है हमारे जेनरेशंस आगे बढ़ती रहती है एंड माई फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज ए फैमिली नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वॉट इज ए फैमिली इफ फैमिली इज़ ए कंपरजाइज ऑफ ग्रांड पेरेंट्स फादर मदर अंकल एंड चिल्ड्रंस एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक समूह होता है इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल वो पीपल कौन कौन से होंगे हमारे ग्रांड पेरेंट्स फादर मदर आंट एंड चिल्ड्रंस नाउ माई से नाउ माई थर्ड सेकेंड कर्सन अबाउट लेसन इज हाउ मच कितने तरह के टाइप्स होते हैं फैमिली के एंड there we will discuss about types of family then there are different kinds of family कितने तरह के होते हैं तो ये three types के होते हैं कितने types होते हैं three types first होता है हमारा joint family जिसको हम large family के नाम से भी जानते हैं and second will be single family single parents family and one will be your small family now we will discuss about three points first point second point three points joint family that means large family small family that means nuclear family and third one is single parents family i can say that you is your it is a knowledge of your about lesson may i lesson may कल पढ़ाऊँगी कल से स्टार्ट कराऊंगी लेकिन ये आपको मैं नॉलेज दे रही हूँ जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी नहीं हो तो हमारी फर्स्ट फैमिली होती है जॉइंट फैमिली ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन लोग आते हैं कौन कौन होते हैं हमारी जॉइंट फैमिली में तो जॉइंट फैमिली में हमारे ग्रांड पेरेंट्स होते हैं हमारे दादा दादी होते हैं एंड अवर पेरेंट्स हमारे माता पिता होते हैं एंड अवर आंट हमारे चाचा चाची होते हैं कजिन्स जो हमारे भाई बहन होते हैं चचे भाई बहन जिनको बोलते हैं एंड हम होते हैं एंड स्मॉल चिल्ड्रेंस आर प्रेजेंट इन अवर ज्वाइंट फैमिली मीन्स इट्स ए बिग फैमिली बहुत बड़ी फैमिली होती है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड पॉइंट यू आर नॉट न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली स्मॉल फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली ये बेटा एक ही बात है बस ये अलग अलग लिख दिया है दोनों का एक ही मतलब है यू कैन राइट न्यूक्लियर फैमिली एंड यू कैन राइट स्मॉल फैमिली बॉथ आर राइट नाउ आई विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली स्मॉल फैमिली इन विच यूर मदर फादर चिल्ड्रंस and they are present in nuclear family nuclear family कौन सी होती है in my words nuclear family जिसमें आपके पापा मम्मी आप present रहते हो उसको आप nuclear family बोलते हो and my फो third point is single parents family and there are different kinds of family which I am sure you to aware single parents family jisme जिसमें आपके आप या तो अपने मामा मम्मा के साथ रहते हो मीन्स आप अपने मदर के साथ रहते हो या फिर जिसमें आप अपने फादर के साथ रहते हो वो होती है हमारी सिंगल पेरेंट्स फैमिली नाओ नाओ काइंस ऑफ फैमिली अगर मैं आपको एक चार्ट के द्वारा समझाना चाहूँ आपको तो ये होगा काइंडस ऑफ फैमिली मीन्स कितने तरह की फैमिली होती हैं तो ये हमारी तीन तरह की फैमिली होती है न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट फैमिली सिंगल पेरेंट्स फैमिली मीन्स न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है ए फैमिली इन विच फादर मदर एंड चिल्ड्रन लाइव टूगेदर लाइव टूगैदर जिसमें एक परिवार में पापा मम्मी और बच्चे एक साथ रहते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल फैमिली एंड सेकेंड पॉइंट इज ज्वाइंट फैमिली वॉट से जॉइंट फैमिली मैंने आपको अभी बताया था ए फैमिली इन विच ग्रांड पेरेंट्स पेरेंट्स चिल्ड्रंस एंड अदर रिलेटिव्स लिव्स टूगेदर जिसमें हमारे ग्रांड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा आपके जो मा पा माता पिता होते हैं चिल्ड्रेंस आप जो बच्चे होते हैं एंड अदर रिलेटिव्स और आपके दूसरे रिलेटिव्स भी उसमें काउंट हो सकते हैं वो होती है हमारी ज्वाइंट फैमिली नाउ सिंगल पेरेंट्स फैमिली सिंगल पेरेंट्स फैमिली क्या होती है एफ फैमिली इन विद चिल्ड्रंस लिव आइदर विद देयर मदर और देयर फादर जिसमें आप अपनी या तो आप अपने मदर के साथ रहते हो या फिर आप अपने पाप पा, फादर के साथ रहते हो अपने पिताजी के